भारत में बैग बैंक एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल भारत में भी सरकारी क्षेत्र के सभी 12 बैंक अब बैग बैंक में निवेश करने को लेकर सहमत हो गए हैं। जाहिर है बैग बैंक सुनकर आपको इस शब्द में एक नेगेटिविटी का एहसास हुआ होगा, मगर ये बैग बैंक असल में कोई बैंक नहीं और ना ही इसके काम ऐसे हैं कि इसको बैग कहा जाए। दरअसल बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या NPA यानी फंसे हुए कर्ज की है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से कर्ज लेता है और तय समय के अंदर कर्ज नहीं चुका पाता तो इसे NPA खाते में डाल दिया जाता है। लोन डिफॉल्ट के 90 दिनों के बाद ही इसे NPA घोषित किया जाता है। हालांकि विदेशों में यह अवधि अलग है, बैंकों के लिए इस लोन को रिकवर करना मुश्किल होता है। अब यहाँ शुरू होता है बैड बैंक का काम, जो सभी बैंकों से इस तरह के फंसे हुए कर्ज को खरीद कर अपने स्तर से इसे कर्जदार से वसूलने का प्रयास करता है। यानी बैड बैंक कोई बैंक नहीं बल्कि ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC है। जी हाँ, बैंकों के डूबे कर्ज को इस कंपनी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे में इन बैंकों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा, लिहाजा बैंक ज्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे, जिसका आम आदमी को फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत में इसे चालू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब तक 16 बैंक इस नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NARCL में पूंजी लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सभी बैंक इक्विटी कैपिटल के तौर पर कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपए का निवेश भी करेंगे। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के 4 बैंक भी इसमें हिस्सेदार होंगे। वित्त मंत्री ने बैड बैंक का ऐलान बजट में भी किया था, तब से ही ये सुर्खियां बटोर रहा था। आपको बता दें कि इस तरह के कई बैंक पहले से दुनिया भर में काम कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल में कई साल से बैड बैंक काम कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।